एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है 7 अक्टूबर और अब दिन के 3:30 बज चुके हैं। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में आकर विराजमान हो और आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी मैंने एक ब्लॉग वीडियो कंप्लीट की है, क्योंकि पहले तो मैं शाम के टाइम पे ब्लॉग वीडियो कंप्लीट कर लेती थी, लेकिन आज से यहाँ पे रामलीला शुरू हो रही है। ये मेरे जो सोसाइटी के बिल्कुल सामने एक पार्क है, वहां पर रामलीला का ग्राउंड तैयार कर दिया है। तो शाम के टाइम पे जब रामलीला शुरू हो जाएगी तो इतनी तेज तेज आवाजें बिल्कुल ऐसे आएंगी जैसे मेरे ही घर में आ रही हैं। तो मैंने एक वीडियो कंप्लीट कर दी है। अभी मुझे सब्जी का मसाला और चाय का मसाला तैयार करना था। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं जो कि मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, उनके कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि आप चाय का मसाला, सब्जी का मसाला, इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दीजिए। वैसे तो मैं पहले भी एक दो बार ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर जो न्यू होते हैं वो पुरानी वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो आज ये दोनों ही चीजें तैयार करनी है, तो आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और पहले वाली ब्लॉग वीडियो में इसलिए शेयर नहीं किया कि वो वीडियो पहले ही 11 मिनट से ऊपर की हो चुकी थी, और जब ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो हर कोई देखते देखते ऊब जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बना देती हूँ और इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये सारे मसाले मैंने जो है सुबह धूप में साफ करके और सुखा दिए थे। इन पे जो है 4-5 घंटे की धूप लग चुकी है, बालकनी में रखे हुए थे। तो चलिए आप सबको पहले तो दिखाती हूँ कि मैंने चाय का जो मसाला बनाना है उसके लिए क्या क्या लिया है, और जो सब्जी का मसाला है उसके लिए क्या क्या लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम धनिया लिया है, 100 ग्राम जीरा है, 3 बड़ी इलायची हैं, 15 से 16 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। टुकड़े थोड़े छोटे हैं इसलिए मैंने 15 से 16 लिए हैं, आपके पास अगर बड़े हों तो आप थोड़ा सा कम कर सकती हैं। 2 मैंने इसमें ये जायफल लिए हैं, ये है तेज पत्ता, 14 से 15 ये पत्ते हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। ये देखिएगा, ये है लौंग, तो 10 से 12 मैंने इसमें लौंग ली हैं, और 20 से 25 मैंने ये काली मिर्चें इसमें डाल दी हैं। तो इनको मैंने धूप में सुखा लिया था, तो आप 2-3 घंटे की धूप इसको ज़रूर लगवा दें। ये तो हो गया है सब्जी के लिए मसाला। अब ये है चाय के लिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी सौंफ ली है, 15 मैंने छोटी इलायची ली है, और 5 इसमें मैंने लौंग ली है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने इसमें लौंग डाली हैं। पिछले महीने भी मसाला बनाया था तो उसमें भी मैंने 5 लौंग ऐड की थी। जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तब लौंग को हम अवॉइड करेंगे, इन 2 चीज़ों से मसाला तैयार करेंगे। अगले महीने से और ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी तो आप इसमें 8 से 10 काली मिर्चें और सौंठ ये भी ऐड करके इस मसाले को तैयार कर सकती हैं। वो मौसम के अनुसार देखना होता है कि मौसम कैसा है। अब देखिए, जो चाय का मसाला बनाना है उसके लिए इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही पीस लेंगे। लेकिन ये जो मसाला है सब्जी का, ये काफ़ी दिनों के लिए तैयार होता है, मसाला खराब ना हो उसके लिए इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये जो जायफल है इसको हम तोड़ लेंगे, और जो इलायची है ये तो ऐसे ही हाथ से ही टूट जाएगी इस तरीके से। जो जायफल है इसको किसी चीज़ से हम इसके टुकड़े बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने तोड़ लिया है। तो चलिए अब इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और अब इसमें हम ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे, और इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसको रोस्ट करना है। जब ये सारे मसाले हल्के से सिक जाएंगे, यानी जब ये गर्म हो जाएंगे, तो इसमें से एक भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और उसी टाइम पे हम गैस को जो है बंद कर देंगे। तो इसको इस तरह से आपने पलटते रहना है और हल्का सा रोस्ट करना है। और ये देखिए, जब हमारे मसाले रोस्ट होने लगे हैं, तो ये अगर हम बड़ी मिर्च लगा कर चलें
तो दो या तीन होंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े हैं लाल मिर्च के, ये हम इसमें डाल देते हैं और साथ में इसको भी सेक लेते हैं ताकि इसकी जो नमी है वो निकल जाए। रोस्ट करने का यही कारण होता है कि अगर मसालों में थोड़ी बहुत नमी हो तो वो निकल जाए और फिर जो हमारे मसाले हैं वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए मसाले से जो है हल्की सी खुशबू आने शुरू हो चुकी है। आप इसको ऐसे करके भी देख सकती हैं, ये आपके हाथों को जो है हल्का हल्का गर्म लगना शुरू हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए इनको ठंडा होने देते हैं। तब तक चलिए चाय का मसाला बना लेते हैं। तो ये देखिए मिक्सी का मैंने जार ले लिया है, ये एक कटोरी सौंफ है, इसको मैंने धूप में ही सुखाया था, रोस्ट नहीं किया है, ये डाल देंगे। और 5 लौंग है और 15 इलायची हैं, ये भी इसी में डाल देंगे। और इसको हम दरदरा पीस लेंगे, इसको बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा पीस लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। अगर इसको हम बारीक बनाएंगे तो चाय में इसका कोई भी स्वाद नहीं आएगा। इसको इस तरह से आपने दरदरा रखना है। अब इसको हम एक अपने किसी भी एयर टाइट बर्तन में या जो आपका डिब्बा वगैरह हो उसमें डाल के रख लीजिए। काफ़ी दिनों के लिए आपकी चाय का मसाला तैयार हो गया है। इसके साथ में अगर आप जैसे चाय में तुलसी पत्ता या अदरक वगैरह डालते हैं तो डाल सकते हैं, चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इस डिब्बे में डाल दिया है। मैं इसी के नाप के हिसाब से मसाला तैयार करती हूँ और काफ़ी दिनों के लिए चल जाता है, तो इसको हम रख देते हैं। चलिए अब सब्जी वाले मसाले को भी बना लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो मसाला है ये अभी गरम गरम ही है, ये ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि हल्की देर रखना है ताकि थोड़ी सी इसमें ठंडक आ जाए। लेकिन अभी ये देखिए हाथ में लेते हैं तो गरम लग रहा है, इसी को हम पीस लेंगे, थोड़ा जल्दी पिस जाएगा। और इसको हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे क्योंकि ये सब्जी का मसाला है, इसका बिल्कुल बारीक अपने पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए पीसते टाइम इसको खोल के देख लेना है, अगर ढक्कन में हल्की सी नमी आने लगे तो 1 या 2 मिनट के लिए इसको खोल देना है। तो ये देखिए 2-3 मिनट हो गई हैं और जो एक नमी सी बननी शुरू होती है ना ज़्यादा गर्म होने की वजह से, वो अब ख़त्म हो गई है। अब इसका हम दोबारा से इसको पीस लेंगे और बारीक सा पाउडर तैयार करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, डिब्बे में इसको अभी नहीं डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, और जो बाकी का बच गया है उसे भी पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा मसाला हमारा पिस चुका है, एकदम बारीक इसका पाउडर बन गया है। अब देखिए ये काफ़ी गर्म है क्योंकि एक तो इसको हमने रोस्ट किया था, दूसरा जब मसाले को पीसते हैं तो पीसते टाइम भी मसाला गर्म हो जाता है। तो अभी इसको हम ऐसे ही थाली में छोड़ देंगे और एक कपड़े से इसको ढक देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे। अगर इसको अभी ऐसे ही हमने भर के रख दिया तो इसमें एक जो है नमी आएगी, पसीने जैसा बन जाएगा और मसाला हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें, इसको पीस के और 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद आप अपने किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी का मसाला बनके हो गया है तैयार, और ये मसाला मेरा अब 2 महीने आराम से चल जाएगा क्योंकि जो मार्केट से हम पिसा हुआ मसाला लेकर आते हैं उसमें ना तो इतनी खुशबू होती है और ना ही उसमें कोई ज़्यादा स्वाद होता है। वो मसाला हम चम्मच भर के भी डाल लेते हैं ना तब भी सब्जी में कोई अच्छी खुशबू नहीं होती है, अच्छा सा स्वाद नहीं होता है। लेकिन ये जो मसाला हमने घर पे तैयार किया है, इस मसाले को आप आधी से भी कम चम्मच में लीजिए और अब सब्जी में डाल दीजिए, फिर देखिए अपनी सब्जी में अंतर, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत बढ़िया सब्जी का स्वाद हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो हम पिसे हुए मसाले लेकर आते हैं उसके डिब्बे पे लिखा तो कुछ और होता है लेकिन मिलाया उसमें कुछ और ही जाता है। अगर कंपनी वाले सारी चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी और ओरिजिनल लेकर आपको तैयार करके मसाला देंगे तो वो इतना मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जब तक उसमें मिलावट नहीं होती कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, इसलिए मिलावट तो होती ही है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से ये सारी चीज़ें साबुत लेकर आइए, अपने घर पर इसको पीस के तैयार कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 महीने का मसाला एक बार बना के रख लीजिए, खराब भी नहीं होता है, आपको सस्ता भी पड़ेगा। जितने पैसे में ये साबुत मसाला आया है इतने पैसे में अगर आप पिसे हुए मसाले के 2 पैकेट लेकर आती हैं
तो वो एक महीने में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उतने ही पैसे में अगर आप साबुत मसाले लाके और घर पे तैयार कर लेती हैं तो पूरे 2 महीने आपका मसाला चलेगा, यानी आपका जो है पैसा भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से घर पे मसाला तैयार कीजिए, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सारी ओरिजिनल चीजें होती हैं। और ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, सारी हमने वही चीज़ें ली हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी तो मैं इसको जो है ढक के और लगभग 2 घंटे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये अभी हल्का सा गर्म है, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो एयर टाइट डिब्बे में इसको भर के रख दूंगी। और मसालदानी में तो देखिए थोड़ा सा मसाला डालना होता है, ज़्यादा उसमें एक बार में नहीं डालना चाहिए, बाकी अपने डिब्बे में अलग से भर के रखना चाहिए, तो इसको मैं फिर भर के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मसाला बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।